मैक्सिको से एंजेलो कहते हैं कि कुछ दिन के लिए वे मिचुआकान में अपने दोस्त के यहाँ छुट्टियाँ बिताने ठहरे हुए थे। दोस्त के घर के सामने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहाँ से उन्हें हर रात वियर्ड नॉइसेस सुनाई देती थीं। ऐसी ही एक रात एंजेलो 3 बजे घर के बाहर टहल रहे थे जब उन्होंने बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने का फैसला किया, और ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं रहा। Salía a fumar y logré ver que se ve una luz ahí y pues vamos a ver qué es lo que se alcanza a ver. Ahorita ya es muy noche, de hecho me pueden echar a la patrulla los vecinos por salir a estas horas, pero bueno, vamos a ver. Esto es una casa que está completamente vacía, no vive absolutamente nadie, pero pues bueno, vamos a entrar y pues no hay nadie, espero no haya un loquito o algo así. Uy, escucho un ruido allá arriba. Vamos a ver qué hay. Se escuchó ahí un ruido, pero pues a ver, vamos. Esto está completamente en construcción. Aquí no tiene que haber nadie. Pero pues ahora vamos a entrar acá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y pues acá tampoco, amigos. Desde aquí se puede ver pues todo lo que hay. Ya les digo que es una casa que está en construcción. ¡Oh, la madre! No mames, yo la neta sí me voy de aquí. Neta, esto no me agrada. De hecho, me puse súper nervioso. Y ya mejor me voy. ¿Qué apne dekha? घर में घुसने से पहले ही काले कपड़ों वाली एक पेल फिगर सीढ़ियों की तरफ बढ़ती हुई दिखती है। एंजेलो बिना इसे नोटिस किए अंदर दाखिल होते हैं जहां ऊपर से उन्हें सामान के गिरने का शोर सुनाई दे जाता है। हालांकि ऊपर पहुंचकर उन्हें ना तो आवाज़ों का कोई कारण मिला और ना ही ये आकृति किसी कोने में नज़र आई। अपने अकाउंट पर इस साइटिंग को शेयर करते ही व्यूअर्स के मिक्स्ड ओपिनियन सामने आए, जहाँ कुछ ने इसे एक मजाक बताया, वहीं कईयों ने लिखा कि इस फिगर ने एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी है जो आज के समय कहीं देखने को नहीं मिलती। सैन खुआन चिली के एक हॉस्पिटल में बेहद क्रिटिकल पेशेंट को लाया गया जो परिवारजनों के मुताबिक काफी दिनों से भयानक बर्ताव कर रहा था। मरीज बार बार किसी अनदेखी एंटिटी को खुद से दूर करने की कोशिश करता और नींद में तो पागलों की तरह चिल्लाता रहता। खुद को सीरियसली नुकसान पहुंचाने के अटेम्प्ट के बाद जब फैमिली ने शख्स को अस्पताल में दाखिल करवाया तो वहां हुई घटना से साबित हो गया कि उसे कोई वहम नहीं हो रहा था। मरीज पीसफुली स्ट्रेचर पर आराम कर रहा था कि तभी किसी अदृश्य ताकत ने अचानक से उसे पैरों से पकड़ वायलेंटली खींच लिया और ये सारा मंजर सर्वेलेंस कैमरा में कैद हो गया। हालात का जायजा लेने एक नर्स वहां पहुंचती है, पर क्योंकि वीडियो एकदम से बंद हो गई तो आगे क्या हुआ इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। एक और काफ़ी पुरानी फुटेज भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसे कुछ कोलंबियाई सैनिकों ने तब कैप्चर किया था जब उनके एक साथी पर किसी अनजान आत्मा ने हमला कर दिया। ¡Ay, mi cabo, mi cabo! No te va a llevar. Tranquilo, ya. Primero, ¿eh? No te lleva. Él no te lleva. ¡Corra de peña! ¡Mi cabo! No te lleva. ¡Ay, mi cabo! Ya. Estamos todos. Peña, corre. Ya. Ven, Lucifer, ven. Lucifer, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está allá atrás. Ahí pasa en el celular. Ahí atrás. Sí, pasa ahí. En el celular. Perdona,
पिछली वीडियो की तरह इसमें भी कोई फोर्स सैनिक को पीछे खींच रही है और मदद की गुहार में वो रोता हुआ इस आत्मा से उसे छोड़ने के लिए कहता रहता है। अब एक मोमेंट पर लगा कि व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा है, बट उसके साथी जेन्युइनली कंसर्न्ड दिखते हैं। उनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो किसी चुड़ैल की बात कर रहे हैं जो उनके कहीं आसपास ही मौजूद है। 25 अक्टूबर 2022 को किसी हॉस्पिटल कर्मचारी ने एक वीडियो को शेयर किया जिसमें लंच ब्रेक के दौरान कुछ बड़ा स्ट्रेंज घटित हुआ। वीडियो की शुरुआत में कुछ सर्जन्स एक बेहद ही बीमार पेशेंट को हॉस्पिटल के दूसरे विंग में ट्रांसफर करने की तैयारी में दिखते हैं। कर्मचारी उन्हें मरीज को बाहर लाते हुए फिल्माता है, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक ट्रांसफर के कुछ घंटों बाद ही अनफॉर्चुनेटली इस बीमार व्यक्ति की मौत हो गई। अब यहाँ तक तो वीडियो नॉर्मल थी, पर जैसे ही काम के बाद कर्मचारी ने फुटेज को वापस देखा तो उसने पाया कि जब वे सब पेशेंट के बाहर लाए जाने का वेट कर रहे थे तो बैकग्राउंड में कुछ असामान्य कैद हो गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर के छोर पर एक काली परछाई नुमा आकृति साफ तौर पर मंडरा रही है। ये फिगर कुछ सेकंड्स के लिए ही दिखती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। पैरामेडिक्स को तो कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये एंटिटी कौन है, बट इसकी अपीयरेंस से व्यूअर्स ने अंदाजा लगाया कि ये खुद मौत का रूप है जो बाद में नजर आए पेशेंट की मृत्यु का कारण बना। इस अगली कहानी का मुख्य कैरेक्टर है खावियर। अर्जेंटीना से खावियर ने बताया कि उसे अपने दोस्त एंटोनियो की चिंता हो रही थी। बहुत समय हो गया था उसे एंटोनियो से मिले और कई बार कॉन्टैक्ट करने पर भी वो उसके कॉल्स नहीं उठा रहा था। इसी के चलते खावियर खुद से एंटोनियो के घर विजिट करने का तय करते हैं। वो उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। क्योंकि एंटोनियो अकेला रहता था तो खावियर का डर जायज था कि कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। वे घर की दीवार फांदकर एंटोनियो के बैकयार्ड में दाखिल हो गए जहां किसी कारणवश पिछला दरवाजा खुला हुआ था। खौफ के साए में खावियर घर में एंटर हुए और जो इसके बाद घटा वो सही मायनों में भयंकर था। Antonio! Antonio! Hey! Antonio, soy yo. Javier. Madre. ¡Ey! ¡Ey, loco! Soy Javier, boludo. Che, loco, ¿sos vos? Ya fue, boludo. Vine a ver qué onda, ¿cómo andás? ¿Estás bien? Che, loco, si sos vos, salí. ¿Escuchan eso? खावियर को कुछ मालूम नहीं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है,
वे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए डिसाइड करते हैं घर से निकलकर पुलिस को कॉल करने का। हालांकि जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं तो उन्हें एक डरावनी आवाज पीछे से पुकार लगा देती है। क्या आपने देखा? दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया और तभी 7 फीट ऊपर कांच के पीछे से चमकती आंखों वाली कोई चीज झांकती हुई नजर आ गई। कावियर बिना वक्त गवाए जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। उन्होंने बताया कि उस रात दिखी ये एंटिटी निश्चित रूप से उनके दोस्त एंटोनियो की नहीं थी। पुलिस को घर बुलाने के बाद खावियर को पता चला कि उसके दोस्त एंटोनियो की तो मौत अपने उसी कमरे में हो गई थी जिसका दरवाज़ा उनसे नहीं खुल रहा था। तो क्या एंटोनियो का रूप लेकर ये शैतानी आत्मा उन्हें अपनी ओर लुभाने की कोशिश कर रही थी? आप इस घटना पर अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना मत भूलिएगा। अब जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो ऐसे शख्स के साथ घटी जिसने अपनी मर्जी से सोसाइटी छोड़ जंगल में रहने का फैसला किया। कस्टम के तौर पर व्यक्ति आए दिन अपने घोड़े पर पूरे जंगल को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता, लेकिन एक रात उसका सामना किसी अनएक्सप्लेन्ड क्रीचर से हो गया। एक ऐसा क्रीचर जो पेड़ पे लटका हुआ था, जिसका रंग सफेद, ऊंचा कद और उसके शरीर पर एक भी बाल मौजूद नहीं था। व्यक्ति को पहले लगा कि शायद वो कोई सुअर है, पर जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा तो उस क्रीचर का चेहरा खून से लथपथ था, मानो अभी अभी उसने किसी को शिकार बनाया हो। अनफॉर्चुनेटली उस समय व्यक्ति के पास घटना को फिल्माने का कोई जरिया नहीं था, बट थोड़े हफ्तों बाद बिल्कुल उसी जगह घुड़सवारी के दौरान वो क्रीचर उन्हें दोबारा नजर आया, और वो भी एकदम दिन के बीचों बीच। इवन दो चेहरे का केवल एक ही हिस्सा नजर आ रहा है, रिकॉर्डर पूरी तरह आश्वस्त हैं कि ये वही सेम क्रीचर है जिससे पिछली बार उनका राबता हुआ था। तो क्या ये एंटिटी कोई भूत है? क्या ये एक मिथिकल क्रीचर है या कोई ऐसी स्पीशी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई? अगर आपका सामना किसी ऐसे बीइंग से हो जाए तो इस सिचुएशन में आखिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, जाने से पहले ये रही आज की पहेली, क्या आप इस फैमिली फोटो में छिपी एक अनयूजुअल चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और देखिए इंटरनेट कैफे में हुई होश उड़ा देने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज राइट साइड आ रही वीडियो पे क्लिक करके। अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।